नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल हिमाचल के रंग दूरदर्शन तो के संग मेरा नाम है मेघा शर्मा और आज के इस कार्यक्रम स्वच्छ भारत में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं स्वच्छ भारत में हम प्रदेश में स्वच्छता से जुड़ी तमाम गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करते हैं अथवा मिलाते हैं उन लोगों से जो स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं इसी कड़ी में आज के हमारे इस कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा स्वच्छता में महिला मंडलों की भूमिका और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिसेस पामिला वालिया जी जो ग्राम पंचायत महिला मंडल कनोहर नाला कुफरी की जो है वो प्रधान है मैम आपका स्वागत करते हैं हम हमारे स्टूडियो के लिए मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने महिला मंडल के बारे में नाला कुफरी इसके बारे में थोड़ा बताएं मेरा नाम पामिला वालिया है जी। मैं महिला मंडल की प्रधान हूँ हमारे महिला मंडल का नाम महिला शक्ति संगठन किशन नगर कनोहर नाला कुफरी है जी। ये 12 अक्टूबर उन्नीस को हमने नींव रखी थी इसकी जी जी। और आज 25 वर्ष हो गया है इसको बने हुए जैसे मैम आपने बताया कि 25 वर्ष आपके ये महिला मंडल को बने हो गए हैं तो आपकी कार्य प्रणाली कैसी रहती है 25 वर्षों में क्या क्या आपने कार्य किया है और वार्षिक तौर पर किस तरह की कि आपकी कार्य प्रणाली रहती है सबसे पहले तो मैडम हम पूरी साल की रूपरेखा बना लेते हैं कि कौन से महीने में हमने कौन सा काम करना है बहुत बढ़िया जी उसके बाद हम हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रखा है लेडीज से हम पैसा इकट्ठा करते हैं वन परसेंट पे हमको ब्याज पे पैसा देते हैं जी। और वो जो ब्याज आता है वो भी हम लेडीज को ही देते हैं और उसके बाद हमने अचार का काम शुरू किया हुआ है जिससे और हमने तीन मंजिला भवन बनाया है जिसमें एक मंजिल में हमारी वर्कशॉप है एक में हम अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं और दो दुकानें बनाई है हमने जो मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में इन लोगों को रोजगार खोल के देंगे हम जी मैम जैसे आज का हमारा कार्यक्रम है स्वच्छ भारत तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका महिला मंडल स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी भूमिका किस तरह से अदा कर रहा है सबसे पहले तो है कि अपनी साफ सफाई महिलाओं को जागरूक करती है जी। फिर अपने घर आंगन से लेकर पूरी पंचायत तक जी। कि वे साफ सफाई के बारे में कैसे जानकारी दी जाए जी, जी, जी। पानी के बारे में कैसी जानकारी दी जाए पेड़ लगाने के बारे में कैसी जानकारी दी जाए जी। तो यह सब लेडीज को हम अपने महिला मंडल में जी। ट्रेनिंग देते हैं जी। इसको मैम जैसे आपने मुझे भूमिका के बारे में बताया तो मैं एक एक करके चाहती हूँ कि थोड़ा आप और आ, बताएं उसके बारे में पहली बात आपने कही पर्सनल हाइजीन तो आप किस तरह से आप केवल महिलाओं को ही जागरूक करते पर्सनल हाइजीन के लिए या बच्चों को या पुरुषों को भी करते है, किस तरह से आपका महिला मंडल कार्य कर रहा है जैसे हमारी महिलाएं हैं बेटियां उनकी बेटिया, लड़कियां हैं हमारे गांव की नहीं, जो आशा वर्कर आते हैं हम उनके साथ मिलकर ये कार्य करते हैं जी जी यानी कि आशा वर्कर्स के साथ मिलकर आप दोनों समूह मिलकर जो है बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हैं पर्सनल हाइजीन के इसमें अब बात की जाए कचरा प्रबंधन की तो कचरा प्रबंधन और इसके निपटान के लिए जो है आ वर्तमान के अगर हम बात करें गीला कचरा और सूखा कचरा जो है अलग अलग से डस्टबिन बनाए जाते हैं तो आपके क्षेत्र में इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड क्या क्या मतलब जो डस्टबिन है वो क्या उपलब्ध हैं अगर उपलब्ध हैं तो क्या उसका प्रयोग किया जा रहा है या नहीं गीला और सूखा कचरा को अलग करने के लिए हमारे पंचायत से हमारे को डस्टबिन दिए गए हैं पूरी पंचायत को गीला कचरा और सूखा कचरे के लिए और जहां पर नहीं भी है अच्छा। तो वहाँ पे हमने गड्ढे बनवाए हुए हैं इसके लिए जहाँ पे भाई मतलब तो गीला कचरा अलग करें सूखा कचरा अलग करें जी जी बहुत बढ़िया अब बात की जाए जल की तो जल प्रदूषण अक्सर देखा जाता है गाँव में कि जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत है वो खराब हो रहे हैं उसके आस गंदगी है तो उस दिशा में आपका कार्य आप किस तरह से निभा रही हैं हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए जल विभाग से आते हैं और हमारे को हमारे को ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं ये उसके बाद हमारे को ये किट दी जाती है अच्छा। तो हमारे को दस -दस के ग्रुप बना देते हैं हम उनको एक एक किट दे देते हैं जी जी और उस किट से मतलब कि अपना पानी वो टेस्ट करते हैं अच्छा जैसे आसपास के नाले होते हैं जी, जी। उसका पानी टेस्ट करना है पीछे से पानी कहाँ से आ रहा है कैसे टेस्ट करना है उसको तो और उसके बाद हम जो बॉडिया वगैरह है हमारी जैसे मैक्सिमम तो गांव में बॉडिया ही ज्यादा होती जी है जी जी तो उसकी हमने साफ सफाई कैसे करनी है जी तो हम जैसे साल में दो बार हमने रखा हुआ है कि हमने इनकी साफ सफाई करनी है जी तो जैसे हम बॉडी की सफाई करते हैं उसके बाहर हम लिख देते हैं कि इस तारीख को हमने इस बॉडी की सफाई की है जी मैम uh, जैसे आपने बताया कि आपको जो है ये जल शक्ति विभाग ने ये किट्स दी है आपको, है आपको हाँ ना कि जल की गुणवत्ता की जिसमें जांच करते हैं आप हाँ तो वो जांच आप केवल जो गांव में प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं उन्हीं की करते हैं या आसपास के जो नदी नाले होते हैं उनकी भी करते हैं हाँ जी जो जैसे गांव में आसपास पास जो नदियाँ नाले बहते हैं ना उसका पानी भी टेस्ट किया जाता है पीछे से पानी कहाँ से आ रहा है अच्छा कहीं गंदा तो नहीं आ रहा हमारे वही पानी हमारे को मिलेगा आगे तो हम उसकी पूरी टेस्टिंग करते हैं जी मैम पौधारोपण की बात की जाए तो महिला मंडल वो भी बड़े स्तर पे करता है तो उस बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को हां जी तो ये हम समय-समय पर हम पौधे लगाते हैं बरसात के महीनों में ज्यादा लगते हैं ये जी तो इसमें हमने खाली जगह जो देखते हैं उसमें हम पौधे लगाते हैं आसपास इसकी बाड़ लगाई जाती है ताकि कोई पशु वगैरह आकर उन पौधों को खराब ना कर दे तो और जो जो पौधे हमारे को समय समय पर हमारे को प्रोवाइड कराए जाते हैं ठीक है और आप मिलकर फिर पौधा हाँ रोपण ठीक है अभी कुछ समय पहले हमने बात की थी गीला कचरा और सूखे कचरे की अब घरों में कुछ कचरा ऐसा होता है जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं या री कर सकते हैं यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट घर में कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिसका यूज करके हम एक सुंदर सी चीज बनाते हैं तो आपका महिला मंडल क्या क्या चीजें बनाता है उससे जैसे मैडम बॉटल्स वगैरह है गाँव में तो लोग उसकी कटिंग करके उसमें कलर करके और उसमें पौधे वगैरह लगा के गमले का काम करते हैं और जो लिफाफे वगैरह होते हैं जैसे दूध की थैलियाँ हो गई और ये चिप्स के पैकेट हो गए इसे हम बैठने के लिए दरिया बनाते हैं अच्छा। बहुत सुंदर दरिया बनती हैं इसकी जी। इसके अलावा कुछ आप और बनाते हो और जैसे हमारे पुराने कपड़े होते हैं तो उसे भी हम दरिया बनाते हैं बहुत बढ़िया जी तो उस, उनको आप बेचते भी हैं दरियों को बेचते हैं हाँ जी यानी कि आप स्वच्छता के इसमें तो अपनी भूमिका अदा कर ही हाँ रही है साथ में एक तरह से आजीविका भी कमा रहा है आपका पूरा महिला मंडल बहुत खूब मैम मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि क्या सरकार द्वारा आपके लिए कुछ इस प्रकार के शिविर चलाए जाते हैं कि आप जो है और आधुनिक तरीके से जो है स्वच्छता में अपना योगदान दे सके कुछ इस तरह की चीज़ें शिविर सरकार चलाती है हमारे जैसे आते हैं वो हमारे को सभी समय पर जानकारी देते हैं इसको के बारे में साफ सफाई के बारे में जी। तो हम आगे से हमने अपने ग्रुप बना रखे हैं इसके तो आगे से आगे लेडीज आगे से आगे ये काम करती हैं अच्छा और आपको सरकार द्वारा तो यानी कि आपको प्रशिक्षण दिया जाता है लेकिन उस जानकारी का जनमानस तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है तो आप गाँव के लोगों को या घर घर तक वो जानकारी कैसे मुहैया करवाते हैं अब जैसे गांव में हम जाते हैं वहाँ पे पहले तो उनका जैसे पहले पशु का जो गोबर होता था वो बाहर ही दरवाजे के बाहर ही रख देते जी, थे जी, जी, जी। तो उसके बाद हमने जब देखा कि ये ठीक नहीं लग रहा तो हमने इनको सलाह दी कि थोड़ी घर से थोड़ी हटके इसको बनाओ तो लोगों ने वैसे तो गौशाला भी घर से दूर ही बना रखी है और वहाँ पे ताकि मक्खी वगैरह घर के अंदर ना आए उनके आंगन वगैरह बहुत मतलब साफ सुथरे और क्यारिया वगैरह बना के इन्होंने बहुत बढ़िया बना रखा है ये या आ, हम कह सकते हैं कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है इस कारण से जो आप अवेयरनेस फैला रही हैं अपने क्षेत्र में हाँ जी बहुत परिवर्तन आ रहा है इसे जी बहुत बढ़िया मैम हमने स्वच्छता की बात की है ना आप लोग टाइम टू टाइम आप जो है जागरूक करवाते हैं लोगों को लेकिन स्वच्छता सही मायनों में हम तब उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जब वो सही मायनों में व्यवहार में आएगी आदतों में आएगी तो उस दिशा में आप लोग किस तरह से प्रयास कर रहे हैं अब जैसे कि हम आ, अपने ग्रुप में वो, मतलब कि इनका ग्रुप में हम आ, इनको दस दस लेडीज का हमने ग्रुप बनाया अच्छा। हुआ है और हमने इनका द, पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं कि कंपटीशन रखते हैं हम इसका अच्छा। जैसे हमारे आठ मार्च को महिला दिवस होता है जी, जी. तो हमने इनका पहले से डिसाइड किया होता है कि हम गांव-गांव में जाके चक्कर लगाएंगे कि घर किसका साफ है ये नहीं कि एक दिन किया जी. उसके बाद साफ कही उसके बाद वैसे ही कर दिया जी, हमेशा हम नजर रखते हैं इस पर और फिर हम इसको इनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनाम देते हैं तो लोगों के अंदर जागरूकता होती है कि भाई नहीं हमने बढ़ चढ़कर इसको अच्छे से अच्छा करना है बिल्कुल आठ मार्च आने ही वाला है हाँ तो अभी आपकी क्या भूमिका रहेगी हम इस साल आप क्या करेंगे जैसे और जगह तो होता है जैसे भी डांस गाना कर लिया ये कर लिया <laughs> ये अलग चीज है जी जी। इसके साथ साथ जी। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी जी, जी। भाई तुमने नया काम क्या किया हम्म इसमें हु, बहुत बढ़िया मैम जैसे कि आप कुफरी से आती है तो कुफरी एक टूरिस्ट स्पॉट है है ना कोई सैलानी अगर हिमाचल आना चाहेगा और पर्टिकुलरली अगर शिमला आना चाहेगा तो कुफरी ये तो उसकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होगा तो जब टूरिस्ट कुफरी आते हैं तो आप उन लोगों को भी थोड़ा जागरूक करते हैं कि थोड़ा यहाँ सफाई रखी जाए या कुछ इस तरह से हाँ जी जैसे मैडम हमारा होम स्टे है जी तो हम जैसे टूरिस्ट हमारे पास आता है हम तो पहले काम ही यही हमारा ये होता है कि साफ़ सफाई जैसे हमने दिया है वैसे वापस हमारे को मिलना चाहिए तो हमने इनको डस्टबिन वगैरह बता रखी है हमारे को ये जो कूड़ा है ये डस्टबिन में जाना चाहिए तो और उसके बाद जैसे टूरिस्ट आता है जगह जगह खाते हैं वो इधर उधर कागज़ वगैरह या बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं तो जिस ढाबों में ढाबों वालों को भी हम जागृत करते हैं कि भाई यहाँ पे गंदगी तो हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं इसके बाद हम जो पंचायत के स्तर पे भी हम कार्य करते हैं भाई हमारे मेंबर बने हुए हैं इसके स्वच्छता के मेंबर बने हुए हैं हम तो हम उसकी यानी कि आप उन लोगों को बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या हाँ, जरूरत हैं उस हिसाब से करते हैं आप लोग ठीक है मैम कुफरी एक टूरिस्ट स्पॉट है तो आपकी दृष्टि से क्या क्या लगता है कि ये ये चीज़ें अभी इन इन सुविधाओं की कमी है या कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपकी दृष्टि से क्या लगता है मैडम टूरिस्ट तो बहुत आता है यहाँ को फ्री में उन्हीं से ही हमारी भी होती पर लेकिन बढ़ती है। पर जो वॉशरूम वगैरह है वहाँ पे वो तो ना के बराबर ही है अच्छा। वहाँ पे टूरिस्ट को वॉशरूम बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए जी, बिल्कुल आ, और उसके बाद साफ सफाई के लिए जैसे डस्टबिन जगह जगह पे लगे होने चाहिए और जो जैसे बड़ी डस्टबिन रख देते हैं वहाँ पे जो कूड़ा उसमें डाल देते हैं और जो बंदर है कुत्ते हैं आजकल वो जो सारा कूड़ा मतलब बाहर निकाल देते हैं उससे गंदगी बहुत फैल रही है तो उससे मतलब कि टूरिस्ट ज्यादा आने की बजाय कम ही आएगा इस हिसाब अच्छा, से तो और जी। उसके बाद जगह जगह पे बोर्ड लगे होने चाहिए और एक विशेषकर जैसे हमारे यहाँ पे घोड़े बहुत है वहाँ पर तो रोजी रोटी का साधन भी लोगों का वही ही है तो हम चाहते हैं कि भाई जो घोड़ों की जो लीड है उसके लिए कोई ऐसा प्लांट सरकार लगाए जिससे कि भाई ये जो लीड है वो द्वारा काम आ सके द्वारा काम आ सके हाँ तो जी और इससे मतलब कितने हानि होती जा रही है कि मतलब कि जो जंगल के जंगल है बिल्कुल उजड़ रहे हैं बिल्कुल और जो पेड़ है वो सूख रहे हैं वहाँ पे जल भी पानी कितना गंदा हो रहा है घोड़ों की लीद से जगह जगह पे ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है वहाँ पर जी तो आपने पंचायत से या सरकार से कुछ ऐसी डिमांड की है कि इस, इस इसके लिए कुछ किया जाए सरकार भी कोशिश कर रही है पर लेकिन इतनी ज्यादा कोशिश नहीं हो पा रही है भई हम चाहते हैं कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा जी। कि हम पूरा सहयोग दें लेकिन सरकार एक महिला मंडल से तो बात नहीं बनेगी नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें सरकार हमारी हेल्प करे तो हम बढ़ चढ़ कर भाग लें भाई इसमें हम जी बढ़ चढ़ कर भाग लें बहुत बढ़िया मैम इससे इसके अतिरिक्त आप कुछ और बताना चाहती है कि और कोई प्रॉब्लम आप देखती है जैसे कि आप पिछले अगर मैं आपके महिला मंडल की बात करूं तो पिछले आप पच्चीस वर्षों से काम कर रही है कुफरी में आप रह रही है वहाँ की स्थानीय निवासी है आप तो क्या क्या समस्याएँ आप देख रही है कि पच्चीस साल पहले और आज कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है जैसे आपने मुझे अभी बताया कि घोड़ों के कारण जो है वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है हाँ इसके अलावा और क्या समस्याएं आप देख पा रही एक तो बंदर बहुत है वहाँ पर और मतलब कि इतने हैं कि की जिम्मेदारों का जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है जी। बहुत ही खत्म हो चुकी है जी। इतनी दिक्कत आ गई है उनको कि भाई अपने घरों के अंदर ही रहना पड़ता है उनको जी मैम जैसे आपने बताया कि आपका होम स्टे आप लोग महिला मंडल का पूरा होम स्टे है या ऐसे नहीं मैडम हमारे वहाँ पे स्कीम चली हुई है टूरिज्म की तरफ से बहुत बढ़िया तो अपने अपने घरों में तीन तीन चार चार कमरे आजकल होम स्टे का काफी प्रचलन हुआ है ताकि टूरिस्ट जो है हमारे हमारी जो संस्कृति है या हमारा किस तरह से हम रहते हैं उसके बारे में वो नजदीक से वो देख सके तो उन होम स्टे का रख उस उसका किस तरह से किया जाता है वो तो घर के तीन चार कमरे जो होते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा वो हम होम स्टे में रख देते हैं वो जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे घर की तरह जैसे हम रहते हैं हम खाते हैं जो हम खाना खाना है वो ही हमने उनको देना है मतलब कि बिल्कुल अपने घर की तरह रखते हैं उनको जी, हम मैम गाँव में एक समस्या आती है सीवरेज की प्रॉपर नदी नाले नहीं बनते हैं है ना अगर होते हैं तो वो सही कंडीशन में नहीं होते हैं तो उसके लिए आपका महिला मंडल क्या क्या कार्य कर रहा है उसके लिए तो मैडम पंचायत वाले जो है वो उसके लिए टैंक बनाने के लिए पैसा देते हैं बॉडियाँ की जैसे मुरम्मत करनी है उसके लिए पैसा देती है पंचायत तो वो वहाँ से हमारे को मिलती ये जी आ, मैम जैसे कि हम बात करें हिमाचल देवभूमि है है ना मेले त्यौहार इतने लगते हैं तो मेले त्यौहार वो तीन दिन तो बड़े तीन दिन या जितने भी दिन का मेला होता है बड़ी खुशी से सब मनाते हैं लेकिन उसके बाद जो स्वच्छता एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं तो आपके साइड कभी इस तरह के मेले त्यौहार होते हैं और फिर आप अपनी भूमिका किस तरह से फिर अदा करती हैं ताकि उस स्वच्छता को बरकरार रखा जा सके हमारे इतने मेले वगैरह कुफरी में तो खैर नहीं होते हैं जी लेकिन हमारे जैसे मंदिर में भंडारे वगैरह होते हैं उसमें ही हमारा योगदान रहता है भी साफ सफाई उसके बाद हम कर ही जाए जी तो ये हम हमारी महिलाएं मिल काम करती हैं मतलब और लेडीज भी बहुत होती हैं इसमें जी बहुत बढ़िया मैम आपका महिला मंडल पिछले पच्चीस वर्षो से काम कर रहा है तो कुछ ऐसे अविस्मरणीय पल है जो आप आज साझा करना चाहती है इस मंच से हाँ जी मैडम हमारे हमने हमारे यहाँ पर सरोग में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे जी जी तो हमारे को मौका मिला था हमारे जो अचार वगैरह हम बनाते नहीं। हैं तो हमने उसकी प्रदर्शनी लगाई थी जी तो ऐसा पल था वहाँ पर कि इतनी ठंड थी ठंड तो के कारण मतलब कि जो मेरे पेन दिया वो पेन जम गया जी जी तो तो उन्होंने बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया अपना पेन निकाला मेरा नाम पूछा और उन्होंने विजिटर डिजिटर पे हमारा लिख के गए जी। हमारे बहुत अच्छा लगा भी हमारे को वो कभी हम भूल नहीं सकते उसके लिए मैम स्वच्छता के क्षेत्र में आपने कुछ और किया हाँ जी 26 जनवरी को हमने 2006 में झांकी निकाली थी प्लास्टिक को मुक्त किया था हिमाचल ने तो उसके लिए हमने झांकी निकाली थी तो वो हमारे डीसी साहब होते थे पीसी कटोर जी उन्होंने हमारे को बहुत प्रोत्साहित किया था इसके लिए जी। तो उन्होंने हमारे को वो उस झांकी ने हमारे को चार बार प्रथम पुरस्कार मिला हमारे बढ़िया बहुत, बहुत खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं तो यानी कि स्वच्छता के क्षेत्र में आप इतना कार्य कर रही हैं आप भविष्य में आप क्या सोच रही हैं कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में आपका और किस तरह का योगदान हो क्या बड़े पैमाने पर और काम कर सकें आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो जनरेशन है वो भी सीखें आपके महिला मंडल से हम चाहते हैं कि अगर हमारा सरकार हमारा साथ देती है तो हमारा पूरा महिला मंडल उनके साथ है जी। तो हम मिलजुल के भाई हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं बिल्कुल एक एक कोना हम अपने कुफरी का साफ कर सकते हैं इसमें भाई साफ सफाई के कम की वजह से लोग कम आ रहे हैं अब यहाँ पर तो हम चाहते हैं कि इतनी सफाई हो कि यहाँ से एक यादगार लेके जाए लोग यहाँ से मैम अभी कुछ समय पहले आपने बात की कि प्लास्टिक से रिलेटेड आपने वो झांकी बनाई थी कुछ हाँ इस तरह से तो अभी आप अपने आसपास के किस तरह से देखती है वैसे तो प्लास्टिक हिमाचल में काफ़ी सालों से बैन है लेकिन अभी भी कहीं आप देखती है कि वो अभी भी वो प्लास्टिक है और कहीं ना कहीं उससे अस्वच्छता बढ़ती जा रही है हाँ जी जैसे ये बॉटल्स वगैरह रिसाइकल होनी चाहिए ये, ये बॉटल्स वगैरह मतलब कि बहुत ज़्यादा है तो अगर रिसाइकल हो जाए तो इससे भी बड़ा काफ़ी फायदा मिलेगा हमारे को जी जी तो आपका महिला मंडल आने कि इस तरह से कार्य कर रहा है पर लोगों की ओर से आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है कि अब क्योंकि महिला मंडल और भी बहुत सारे काम करता है और स्वच्छता के क्षेत्र में आप अपना योगदान दे रही है आपका महिला मंडल तो लोगों की ओर से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको ये लोगों की वजह से इतने साल निकल गए हैं पच्चीस साल लोगों का बहुत सहयोग रहा है हमारे पूरी पूरी फैमिली का बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ तभी इतने हमने भाई खुशी से पच्चीस साल जो हमने निकाले हैं तो हमारे घर से बहुत सहयोग है इसका घर से बहुत सहयोग है मैम बात आप तो वैसे कुफरी की महिला मंडल की प्रधान हैं लेकिन आप हिमाचल को कैसे देखती हैं कि एक जो हिमाचल अपनी वादियों के लिए खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है है ना और देवभूमि है ना जाने कितने नामों से अलंकृत है हिमाचल तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्वच्छता की कमी हो रही है या गंदगी हो रही है उस कारण भी जो है टूरिस्ट ज्यादा आ नहीं रहे हैं या इस तरह की सोच है कि गंदगी है इस तरह से आपको क्या लगता है पेड़ वगैरह काटते हैं लोग ये इससे तो पर्यावरण में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जी। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी पूरे ग्रुप को ये ब, आ, कोशिश करें कि भाई यहाँ पे पेड़ ना काटे पेड़ लगा लगाएं और जैसे पेड़ों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना जैसे वो कैंथ जैसे होते जी, हैं जी, 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 जी। तो उसमें हम कलर करके फ्लावर पॉट बनाते हैं फ्लावर बनाते हैं इसका उसमें भी लेडीज को काफी फायदा होता है इससे बहुत बढ़िया मैम तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ संदेश अपना देना चाहें आज इस मंच से तो कुछ आप अपने ये संदेश आज दे सकती हैं आज हम, मौका भी है दस्तूर भी है हम चाहते हैं कि जैसे हमारा महिला मंडल काम कर रहा है हम चाहते हैं कि मिलजुल कर अगर हम काम करें कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो ना सो हो सके जी बहुत बढ़िया मैम तो स्वच्छता से संबंधित आप इतने सारे कार्य कर रही हैं और कुछ आपके जहन में कुछ ऐसा है कि कुछ अलग कुछ और किया जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें की जाए कि आपके महिला मंडल के साथ बाकी महिला मंडल की भी जो है आप सब लोगों का गुट बन के तैयार हो आप मिले और और ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करें कुछ इस तरह की आपने सोच रखा है कुछ हमने तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रखे हैं ना मैडम जी इससे हमारे को लोग नए से नए सोच रहे भी कार्य कर रहे हैं इसमें भी हुँ, हुँ. जी मैम uh, जैसे आपने बताया था कि आप जो है बॉटल्स या बाकी सब चीज़ों से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती है हाँ तो क्या आप वो प्रशिक्षण भी दे रही है लोगों को जागरूक कर रही है कि हमें कचरे का उचित अगर निपटारा करना है या, या रिड्यूस करना है कचरे को है ना वो हाँ थ्री आर हाँ हम देखते हैं रिड्यूस रही हाँ साइकिल हाँ तो उस तरह से भी क्या आप लोगों को प्रोत्साहित तो कर रही है जागरूक कर रही है हाँ जी मैडम इसके हमारे कैंप लगते हैं यहाँ पे वो जो वेस्ट मटेरियल जो होता है जी। तो इसे हमारे को चीजें बनानी है इसको बेचना है तो ये हमारी महिलाएं करती हैं ये काम महिलाएं करती हैं और महिलाओं के साथ बाकी लोगों का भी योगदान है यंग जनरेशन की मैंने पहले भी बात की थी हमारी जो पुरुष लोग है वो पूरा सहयोग लेडीज को कर रहे हैं अरे वाह बहुत बढ़िया है ना क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं है ना बड़े स्तर पर अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो जब तक सारे लोग मिलकर नहीं आएंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा है ना और मैम बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके लेकिन मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी आपने बात की कि घोड़े का जो वो गोबर होता है है ना वो, उस वो जो अच्छा नहीं होता है हाँ है ना तो आ, उसके लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए आप लोगों ने या कुछ उसके लिए कुछ स्पेशल आप लोग कर रहे हो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि अगर कोई हिमाचल आएगा है ना हॉर्स हाँ राइडिंग तो करेगा वो तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहें कुछ कर रहे हैं आप लोग उसके लिए तो हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि वो हमारे साथ मिलके के भी कुछ ऐसा प्लांट लगाए जिससे मतलब कि ये इस गोबर को भाई रिसाइकल हो सके और कुछ खाद वगैरह बन जाए इसका यही है एक तरीका धन्यवाद मैम मतलब आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और ये जान के अच्छा लगा कि महिला मंडल बाकी सब कामों के इतर स्वच्छता के क्षेत्र में भी बहुत अहम भूमिका अदा कर रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के, था के था लिए था तो दर्शकों ये थे हमारे साथ पामिला वालिया जी आज के इस कार्यक्रम में इतना ही हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी बने रहिए है डी हिमाचल के साथ तब तक के लिए नमस्कार